मैं हूं मुज्तबा। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हवाले से एंगल्स ऑफ डिप्रेशन एंड एलिवेशंस को इवेल्यूएट करेंगे कि जो चीज़ आपकी सरफेस से ऊपर है उसमें हाइट या उसका बेस से आप तक का फासला कितना है, या एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि डेप्थ कितनी है या उसका सरफेस से फासला कितना है। तो पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ये किस तरह इनको लेकर चलना है। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डाउन टू द लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी? लाइन ऑफ साइट आपके पास ये लाइन ऑफ साइट है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो नीचे की तरफ बनेगा। जब ये नीचे की तरफ बनेगा तो ये आपके पास एंगल आ जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं बीटा का। तो साइट ये है आपकी और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है, डाउन टू द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू एन ऑब्जेक्ट बिलो। तो ऑब्जेक्ट बिलो जो है वो कहीं इस जगह पे लोकेट कर रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, या तो ये फासला मालूम करेंगे या इसकी डेप्थ मालूम करेंगे। और दूसरा है द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल अप टू द लाइन ऑफ साइट फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर वो ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, इसको हम अल्फा का नाम दे देते हैं। एन ऑब्जेक्ट अबव, अब यहाँ पे जो पिक्चर दी हुई है तो ये ऑब्जर्वर है और लाइन ऑफ ओरिएंटेशन यानी बेस लाइन है, और लाइन ऑफ साइट यानी कि जहाज को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जनरेट हो गया। और ये शख्स जो है कंप्यूटर कीबोर्ड को देख रहा है, लाइन ऑफ ओरिएंटेशन इसके पास ये रही और लाइन ऑफ साइट ये एग्जिस्ट करती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये बन जाएगा। तो प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स, इफ टू पैरल लाइंस यानी कि दो पैरल लाइन हो हमारे पास और ट्रांसवर्सल लाइन को काटे, तो जो आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होता है वो सेम होता है। इफ टू पैरल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल देन द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये शेप अगर गौर से देखें तो ये कुछ जेड नुमा बनती है, या इसको एस का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, इन फिगर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट एक्स, तो ये हमारे पास पॉइंट एक्स आ गया, टू पॉइंट वाई, ये हमारे पास पॉइंट वाई आ गया, इज बीटा। तो पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये बीटा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट वाई टू पॉइंट एक्स यानी पॉइंट वाई से पॉइंट एक्स, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, अल्फा का नाम दे दिया। आगे चलते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन के हवाले से। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है और हमें क्या मालूम करना है उसमें। इन 2001 द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड वॉज द पेट्रोनस टावर इन कुआलालंपुर मलेशिया। फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग 25.9 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 89 डिग्री। हाउ टॉल इज द पेट्रोनस टावर। हम स्केच ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हाइट ऑफ द टावर ले लेते हैं, इसको एच से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि ये हमें मालूम करना है, और ये हमारे पास बेस है जो हमारे पास है 25.9 फिट, और इसको ज्वाइन कर देते हैं इस वजह से कि यहाँ पे हमें एंगल लिखना है, दैट इज 89 डिग्री। तो जो हमने रेशो इस्तेमाल करना है वो है टेंजेंट का, टेन थीटा को यूटिलाइज करेंगे। तो हम लिखते हैं टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस या एडजेसेंट साइड। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? एच है जो हमें मालूम करना है, और बेस क्या है हमारे पास? 25.9 फीट। तो टेन एंगल कितना है हमारे पास? वो है 89 डिग्री इक्वल टू एच ओवर 25.9। तो एच इज इक्वल टू 25.9
टेन एटी नाइन डिग्री। तो एच अप्रोक्सीमेट इसलिए लिखेंगे कि हमें अंदाजन क्योंकि फिगर आउट करना होता है तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, तो 1089 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसको इवेल्यूट कर लेंगे 1089 को तो ये आ जाएगा 1483.8 फिट। ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे ब्रैकेट में आप अप्रोक्सीमेट लिख दें, तो ये आपके पास इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है द टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग टावर इन द वर्ल्ड इज द सीएन टावर इन टोरंटो कनाडा। द टावर इंक्लूड्स अ रोटेटिंग रेस्टोरेंट हाई अबव द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 500 फीट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द पैनिकल ऑफ द टावर इज 74.6 डिग्री। The angle of elevation to the restaurant from the same vantage point is 66.5 degree. How tall is the CN tower? How far below the pinnacle of the tower is the restaurant located? तो हमें क्या करना है, हमें पहले हिस्से में तो हमारे पास इसकी हाइट हमें मालूम करनी है, दूसरे हिस्से में या टोटल इसकी हाइट मालूम करनी है क्योंकि उसने दो हिस्सों में पूछा है। उसने कहा है कि ये सीएन टावर जो है टोटल जो है इसकी हाइट जो है वो कितनी है, यानी कि इस जगह से लेके इस पॉइंट तक कितनी हाइट है। दूसरे हिस्से में उसने कहा है कि पैनिकल से रेस्टोरेंट तक का जो हाइट है वो कितनी है। तो एक हिस्सा हमारे पास ये भी है, तो ये हम तीन हिस्सों में इसको निकालेंगे। तो हमारे पास दो एंगल हैं और जो फासला है ऑब्जर्वर का टावर की बेस तक का वो 500 फीट का है। जो टावर का एंगल है पैनिकल से वो 74.6 डिग्री है, जो रेस्टोरेंट का एंगल है वो 66.5 डिग्री है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन से ही निकाला जाएगा। तो इसको शुरू करते हैं। ये जो मुकम्मल आपके पास हाइट है इसको कैपिटल एच का नाम दे देते हैं आसान करने के लिए, और इसको हम H1 का नाम दे देते हैं और इसको H2 का नाम दे देते हैं। तो पहले हिस्से में हम हाइट ऑफ द पैनिकल निकाल लेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द हाइट ऑफ पैनिकल, तो वो हमारे पास H है। तो इस्तेमाल क्या करेंगे, टेंजेंट रेशियो। तो हमारे पास है 1074.6 is equal to H is the height जो टोटल हाइट है अपॉन 500 क्या है, बेस है हमारे पास। तो H is equal to 500 1074.6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1815.2 फिट, क्योंकि फुट में है तो फुट ही देंगे जवाब। तो ये टोटल हाइट हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे ये रेस्टोरेंट से लेके बेस तक की हाइट। तो ये H1 है, तो फॉर द हाइट एच वन, इसमें भी हम टेंजेंट रेशियो इस्तेमाल करेंगे, 1066.5 डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री लगा लेना चाहिए, 1066.5 डिग्री एच वन ओवर, बेस वही है 500। तो H1 जो है हमारे पास वो आ जाएगा 500 1066.5 डिग्री। H1 की जो हाइट है यानी कि रेस्टोरेंट से लेके बेस तक की जो हाइट है वो आ जाएगी 1155
तो पहले हिस्से में तो ये जो हमने ये वाली हाइट निकाली थी, ये एच कैपिटल वाली, ये उसने पूछा था टोटल, वो था हाउ टॉल इज द सीएन टावर। तो टोटल टावर जो है वो आपका इस टॉप से बेस तक की जो हाइट है वो 1815.2 फीट है। जो रेस्टोरेंट से बेस तक की हाइट थी वो 1150 फीट है। तो रेस्टोरेंट और पेनिकल की जो हाइट है, पेनिकल यानी कि चोटी तक की जो हाइट है वो एच टू इज इक्वल टू, क्योंकि ये एच टू हमें मालूम करना था, तो एच माइनस एच वन, तो हम इसको लिख लेंगे 1815.2 माइनस 1150 फिट। तो ये हमारे पास आ जाएगा एच टू इज इक्वल टू 665.3 फिट। इसको भी ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख दें, यानी कि अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन के हवाले से सवालों को समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एंगल ऑफ डिप्रेशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी।